आइए नाजरीन, आज हम आपको माश या उरद बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले 1 कप जो है वो हमने माश लिए हैं, और इधर हमने जिंजर और गार्लिक जो है वो लेकर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं, 1 इंच की हमने जिंजर ली होगी। साथ ही हमने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लिया है, जिसको कि हमने गर्म पानी से आज गलती से धो दिया है, तो इसका बेचारे का हाल ज़रा ख़राब हो गया है। थोड़ा सा ये हमने बटर लिया है, टेस्ट के लिए आप जितना चाहें ले सकते हैं, ये करीबन कोई 1/4 टी कप होगा मेल्ट होने के बाद। और उरद बनाने की ये रीत है कि इसको लौंग का तड़का लगाया जाता है, तो उसके लिए हमने 3/4 क्लोव्स लिए हैं। 1 टीस्पून फुल जो है वो चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून फुल हमने सॉल्ट लिया है, और 1/3 टीस्पून जो है वो हमने टर्मरिक का लिया है, 1 टीस्पून जो है वो हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है। अब जो है सबसे पहले हम माश को बोल में डालकर पानी से धोते हैं। दालें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ ही होती हैं, बस एक ही दफ़ा धोना इनको काफ़ी होता है। इसके बाद हमने इसमें 4 कप्स जो है वो वाटर ऐड किया है। ये पानी जो है ये आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डालें, इसमें ज़रा ज़्यादा डलता है चूँकि इसको हमने 4 मिनट्स प्रेशर देना है, तो 4 कप्स पानी जो है वो हमने ऐड किया है। अब हाफ जिंजर और गार्लिक जो ली थी हमने, उसको हमने पीस लेना है, हाथ से पीसें, ग्राइंडर इस्तेमाल ना करें और ना ही पिसा पिसाया डालें। और उरद को जो है वो पानी समेत 4 कप्स वाटर थे, 1 कप उरद थी, ये हमने प्रेशर कुकर में डाली है, और डालकर हमने सॉल्ट, चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर जो है वो ऐड कर देना है, जिंजर और गार्लिक भी इसमें डाल देना है। अब हमने इसको 4 मिनट्स के लिए प्रेशर दे देना है। तड़के के लिए उतने में हम तैयारी करते हैं कि जो जिंजर थी उसको हमने बारीक बारीक इस तरह पर काट लिया है, और गार्लिक को हमने लॉन्ग वे आधा आधा स्प्लिट कर लिया है। और दूसरी तरफ जो है वो हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अपने फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसमें अब हम ये जो गार्लिक और जिंजर थी ये ब्राउन होने के लिए रख देंगे। इतने में हमारा जो प्रेशर कुकर है उसका प्रेशर देख लें कि नीचे हो चुका होगा। अब आप इसको खोल कर देख लें, ये देखिए आपके जो माश है वो बिल्कुल तैयार है। अब जब ये जिंजर और गार्लिक ब्राउन हो जाए तो आप इसमें जो 3/4 क्लोव्स थे वो डाल दें, और इससे आपने अपनी दाल को तड़का लगा लेना है। जो फ्राइंग पैन आपने यूज़ किया है तड़का लगाने के लिए, आप उसमें जो बटर थोड़ा सा आपने लिया था वो मेल्ट कर लें, और इसमें 1 टीस्पून जो क्यूमिन सीड्स थे वो डालकर ज़रा से आपने गुलाबी कर लेने हैं, थोड़े से रोस्ट कर लेने हैं, बड़े अच्छे ये क्रंची हो जाते हैं। और इसका तड़का भी आपने माश को लगा लेना है। अब आप इसको थोड़ा सा हिला लें, जब आप देखेंगे ये थोड़ी सी स्टिकी हो गई है और सब कुछ यकजान हो गया है, तो आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर जो है वो काट के डाल लें। इसमें कोई गरम मसाला, कोई ग्रीन चिलीज वगैरह नहीं डलती, इसका अपना ही एक फ्लेवर है। और माश जो हैं वो इस तरह पर बने हुए इतने करारे नहीं होते, इनका बड़ा माइल्ड सा, बड़ा डल सा फ्लेवर होता है, टेस्ट डिवेलप होते होते ही होता है इसका, तो हर घर में ये आम तौर पर नहीं बनाई जाती, इसीलिए इसको मज़ेदार करने के लिए थोड़ा इसमें बटर का तड़का जो है वो लगा लेते हैं। उबले हुए चावलों के साथ, प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ इस तरह के बने हुए माश जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपके माश अच्छे बने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।